डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वेक अप पोएम को किस प्रकार से प्रॉपर रिदम के साथ में पढ़ें ताकि हमको भी इजीली याद हो जाए। और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें आने वाले नए वर्ड्स को और साथ ही साथ इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पोएम के अंदर आने वाले न्यू वर्ड्स को। तो इसमें सबसे पहले जो न्यू वर्ड आया था वो है हमारा वेक अप। पोएम के अंदर पोएम का नाम ही हमारा वेक अप, उसमें से हमारा वर्ड है पहला वेक। वेक मीन्स जगना, वेक मीन्स जगना, डब्ल्यू ए के ई वेक प्रोनाउंस करेंगे वेक, और मीनिंग है जगना। लवली, लवली इसमें मेन वर्ड है एलओवी लव, लव मीन्स प्यारा या प्यार, एल वाई ली इसमें सफिक्स जुड़ गया है तो लवली, लवली मीन्स प्यारा। तो यहां पर है अ लवली डे, तो डे यहां पर है तो दिन प्यारा है, मीन्स दिन सुहावना है। तो लवली मीन्स होता है प्यारा और यहां पर है हमारा सुहावना या प्यारा। गेट अप, गेट गेट अप, ये दोनों ही वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं और इसका मीनिंग होता है जगना या खड़ा हो जाना। जैसे अगर हम लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और हमसे कहा जाए गेट अप मीन्स खड़े हो जाओ, तो खड़ा होना। और इस पोएम के अंदर है बच्चा सो रहा है, सो गेट अप, हरी अप एंड गेट अप मीन्स जल्दी से उठ जाओ या जग जाओ या खड़ा हो जाओ। बजिंग, बजिंग जो बीज होते हैं वो जब बीज उड़ते हैं फ्लाई करते हैं तो उनके जो पंख होते हैं उनसे बहुत तेज आवाज निकलती है भिन करके, तो उसको हम कहते हैं भिन भिनाहट। उसकी जो पंखों की आवाज आती है भिन भिनाहट या भनभनाहट भी उसी को कई बार हम बोल देते हैं, तो बजिंग मीन्स भिन भिनाहट या भनभनाहट। टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट मीन्स सबसे छोटा, टाइनिएस्ट चिकन सबसे छोटा चूजा, तो टाइनिएस्ट मीन्स सबसे छोटा। चीप, चीप चीप जस्ट लाइक चर्प होता है, तो चीप चीप का मतलब होता है चूचू करना या चहचहाना। चिड़ियों की जब आवाज होती है तो उस आवाज को हम कहते हैं चीप। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा था टाइनिएस्ट चिकन सो चीप चीप चीप, तो जो छोटा सा छोटा चूजा है वो भी चीप चीप कर रहा है, मीन्स उसकी जो चिरपिंग की आवाज होती है उसको हम बोलते हैं चीप। प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया, प्लीज मीन्स कृपया। तो ये थे इसके न्यू वर्ड्स और अब इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। नाउ टर्न फॉर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। व्हाट आर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस? कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बोध प्रश्न होते हैं। कोई भी अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या समझा, ठीक वो चीज देखने के लिए या जानने के लिए हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेकअप पोएम के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑलरेडी अवेक। हु इज अ क्वेश्चन वर्ड, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, आर ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, पहले से, ठीक, एंड हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन। तो हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले से जगा है, मीन्स कौन कौन इस पोयम के अंदर थे जो कि बच्चे के जगने से पहले ही जग चुके थे। तो बर्ड्स, हमने पोयम पढ़ा था कि द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, मीन्स बर्ड्स वो जग चुकी हैं। You can hear the buzzing bees. You can hear the buzzing bees. Means birds, bees. Then cow, horses, ducks, sheep. So cow, horses, ducks and sheep. So simple. आपको बस poem याद होना चाहिए। Poem अगर याद रहता है तो question answer अपने आप कर सकते हैं। Birds, bees, cow, horses, ducks, sheep and tiniest chicken, chicken are already awake. ठीक, birds, bees, cow, horses, ducks, sheep and chicken are already awake. ये पहले से ही जगे हुए हैं या पहले से ही जग चुके हैं। where,
Where is also a question word. Where means कहां. Where means कहां. So where are the birds singing? Singing means गाना गाना. तो birds कहां, where sing कर रही हैं, गा रही हैं. तो poem की line थी the birds are singing in the trees. This line is the answer. The birds are singing in the trees. इसका तो आंसर याद भी हो गया. The birds are singing in the trees. Next question is C. What? What? This is also a question word. And what means kya? What have you learned? What have you? You? आपने. What have you learned? आपने क्या सीखा? From the poem, कविता से. इस poem को पढ़ने के बाद, जो कि C. Fletcher के द्वारा लिखी गई है, इस poem को पढ़ने के बाद हमने उससे क्या सीखा? तो we learned. You pronoun है यहाँ पर, हम इसकी जब लिखेंगे हमने सीखा. So we means हम. We learned, हमने सीखा. We learned that we should wake up early in the morning. We should wake up. हमें जग जाना चाहिए. कब? Early in the morning. सुबह जल्दी. So we learned that we should wake up early in the morning. हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए. तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स. और अब हम जानेंगे इसके राइमिंग वर्ड्स, जो कि वर्ड पावर के अंदर है आपका राइमिंग वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. अब आ जाइए लेसन नंबर वन में. जो राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं आपके सामने दिख रहा है वर्ड पावर. विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स इन द पोयम. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका सिमिलर साउंड वाला वर्ड पोयम में कौन सा है, चलिए इसको देखते हैं. डे. इट्स अ लवली डे. एंड कम एंड प्ले. सो डे एंड प्ले, पी एल ए वाई प्ले. ट्रीज. ट्रीज. बीज. ये ट्रीज एंड बीज. सो बी डबल ई एस बीज. ट्रीज. ट्रीज and bees. These words are ending with the sound is. And day a, play a. Now bed. So hurry up you sleepy head. Bed, head. Bed and head, they are ending with the sound da. Bed, da. Head. Sheep. Sheep. And the last word is sheep and cheap. C-H-E-E-P, cheap. So sheep is rhyming with the word cheap. E-E-P. So these were the rhyming words of the poem. Thank you for watching.